व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं बहरा नाज सोल द मैटर बुक व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं एक अहम टॉपिक जो कि बहुत ही हमारी ज़िंदगी में अहम है, हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे किसी भी तबके का इंसान हो, दुनिया में किसी भी कोने में रहता हो, तो उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, उम्मीद हो। क्योंकि जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं, तो अच्छाई करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो नेकी कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बंदों से हमने सिला नहीं लिया, बंदे क्या सिला देंगे? अगर देंगे तो इतना सा, और अल्लाह ताला तो उसके बदले में 100 गुना ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो अपनी रहमतों के हिसाब से देते हैं, अपनी वो रहमानुर्रहीम है। तो आप किसी के साथ भी अच्छा करें, उम्मीद इंसान से ना रखें, अल्लाह ताला से रखें, और अल्लाह ताला से उम्मीद तोड़नी भी नहीं, क्योंकि अगर हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी तो हम तो फिर इंसान ही नहीं रहे ना, क्योंकि जीना है, ये ज़िंदगी है। तो उम्मीद अच्छी रखें, और जो लोगों के साथ कुछ करें उसकी वो नेकी कुएं में डाल दें। कुएं में डालने का मतलब ये है वो वापस नहीं, याद ही ना करें। हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी होकर, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझे जैसा चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे मुझे पाओगे। तो हम इंसानों के साथ सुलह रहमी करें, अच्छाई करें और भूल जाए। तो आपको जवाब मेरे ख्याल में मिल गया है कि नेकी कर दरिया में डाल वाला। तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप वो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगी, जो आपके पास आ जाएगा उसी को आप कभी भी मायूस नहीं वो करेंगी। और अपनी उम्मीद कायम रखिए, अल्लाह ताला देने वाले हैं, उम्मीद नहीं तोड़, उम्मीद का दामन थामे रखना है, वो अल्लाह ताला हमें जमीन से आसमान तक लेके जाते हैं। ठीक है, ओके ओके। नए अज़म के साथ उठिए, नए हौसले के साथ उठिए, उम्मीद और होप जो है कभी भी नहीं टूटती। तो बिल्कुल मैं नाम नहीं जाहिर करना चाहती, आपने मुझसे सवाल किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ रुकी करती हैं और करती रहें, वो चाहे रिश्ता कोई भी हो, करती रहें। इंशाल्लाह मुझे आपके अच्छे रवैये का और बिल्कुल सेहतमंद उसका जवाब का इंतज़ार है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए तायरा नाज को, मिलेंगे एक नए मसले के साथ। सोल्व द मैटर विद नाज, ओनली योर टू डेज़।